गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। सबको एक नया वीडियो में स्वागत है। वेलकम टू नागपुर। तो हम लोग ऑलरेडी येस्टरडे, आप लोग देखा होगा वीडियो में, नागपुर पहुंच गया था। फिर बाद में हम लोग थोड़ा रूम सब दिखाने के लिए का मूड नहीं था, तो हम लोग इधर आकर रेगुलर, हम लोग पिछली बार लड़ाक आए तो भी इधर ही आया था। ये तो ओयो से भी अटैच्ड है। इधर से रूम लिया था 1300 रुपीज़ है, 1400 बोला था। कल तो संडे था करके हम लोग आ गए ही, 6:30 हो गए इधर पहुंचने से। तो अभी फिर आप देख लो 1300 में, फिर बाद में बात फिर करेंगे। एक बार दिखा ना शेष। टॉयलेट है, इसका एक्सपीरियंस है वगैरह हम लोग रोड पे बात करेंगे। तो अभी निकलना है, अभी तो अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock होने वाले है। तो हम लोग चले अभी तो कन्याकुमारी टू लेह लद्दाख। स्टे ट्यून्ड। तो अभी देख लो हम लोग नागपुर से अभी आगरा की तरफ जा रहे हैं। देख लो अर्ली मॉर्निंग व्यू, देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना सनराइज़ का। देख लो एक एक, एक स्टेट में हम लोग अभी देख रहे हैं सनराइज़ एंड सनसेट। सभी जगह पर एक ही सन देख रहे हैं तो भी अलग अलग ब्यूटी होता है। कन्याकुमारी से एक अलग होता है, ये भी अलग एक खूबसूरती है। अभी देख लो ये नागपुर से हम लोग सागर जाते वही रोड है ना, आगरा जाते ये रोड में ऐसे ही फॉरेस्ट एरिया बहुत आता है। ये फॉरेस्ट एरिया पहले तो हम लोग एक बार आते तो इधर काम चलती थी, बहुत मुश्किल थी इधर से जाना सब। अभी देखो बहुत चेंजेस आ गया। तो इधर है ना बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी होते हैं अंदर, क्या इसे बस स्टॉप भी आते हैं इधर, देख लो। हाय। तो अब हम लोग बोला है ना मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock वी स्टार्टेड फ्रॉम नागपुर, नाउ वी आर ऑन दी वे टू आगरा। तो बीच में हम लोग एक चाय पिया था उधर लेने का, नहीं रोड पे है ना लेते तो भी कोई मतलब नहीं है। वीडियो क्या है ना बहुत साउंड है क्योंकि अभी बहुत गाड़ी है, लोड व्हीकल बहुत, इसलिए हम लोग सोचा थोड़ा आगे आकर ले लूं करके। तो अभी हम लोग सियोनिस हो गया, तो ऐसे ही हम लोग है ना ये श्रीनगर कन्याकुमारी श्रीनगर हाईवे में ही ट्रैवल कर रही हूं अभी। तो अभी है ना पेट्रोल भर लिया, अभी नाश्ता नहीं खाया, अभी 8:30 के ऊपर हो गया, अभी से गर्मी शुरू हो गया, अभी 32 degrees अभी भी है। तो हम लोग ऐसे ही रोड पर आते तो और रूम को आपको दिखाया था ना, रूम के बारे में हम लोग क्यों बोलते नहीं, मीन्स इतना कंफर्टेबल हो उतना अच्छा है तो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग दिखाने का आप लोग फिर आकर फिर कंप्लेंट। हम लोग क्या है ना मैक्सिमम एडजस्ट करते हैं कुछ भी है। तो अभी अभी क्या हो गया ना, आफ्टर कोरोना का सर्व होने के बाद एवरीथिंग इज़ फ्लरिश्ड एंड एवरीथिंग इज़ मेकिंग लिटिल बिट हाई रेट। तो हम लोग ये नागपुर में 1300 मीन्स ओनली फॉर वी रीच्ड दैट ओयो रूम इज 6:30 6 o'clock नहीं 6 o'clock मीन्स या व्हाट इज हैपनिंग मीन्स ऑलरेडी वी नो दैट रूम व्हेन वी स्टार्टेड एन नैनीताल जर्नी, तब से हम लोग वी आर टेकिंग दैट रूम, दैट्स वाई वी आर गोइंग डायरेक्टली नॉट विथ बुकिंग। बट है ना दे आर चार्जेड 1300 इज लिटिल बिट हाई क्योंकि दैट डे वी आर आई वी पेड 1200 ना। फ्लरिश्ड मीन्स व्हाट इज हैपनिंग मीन्स हमारे तरफ लोगों के लिए ओनली वी आर एंटरिंग आफ्टर 6 या 7 देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी अर्ली मॉर्निंग। तो आज हम लोग लिटिल बिट जान बूझ कर थोड़ा लेट हम लोग ले लिया टाइम क्योंकि उसमें 1300। और एक बात क्या होती है ना कभी भी अभी दो बार हम लोग ट्राई किया तो भी कोई नॉन एसी रूम नहीं है, एसी रूम मजबूरी से हम लोगों को लेना पड़ रहा है क्योंकि एसी रूम में हम लोग क्यों सोच रहे हैं अभी ओयो वैसे है तो एसी भी नॉन एसी भी रखना चाहिए। तो क्या होती है नॉर्मल लोगों भी एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि एसी नहीं है तो अराउंड 500 रुपीज़ कम हो गया तो भी
शायद 800 900 में थोड़ा कम होगा ना वो, दैट 400 रुपीस वी कैन स्पेंड फॉर आवर लंच या डिनर समथिंग वी कैन ईट, क्योंकि बजट ट्रैवलिंग पीपल इज सफरिंग. अदर पीपल आई डोंट नो, दे जस्ट वी आर शोइंग द बजट ट्रैवलिंग. ओके दैट इज द थिंग. अदरवाइज नाउ ओयो समथिंग मीन्स 12 o'clock एंट्री 11 o'clock चेकआउट, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, क्योंकि द टाइमिंग इज टोटली वेस्ट फॉर हम लोग राइडर्स के लिए. तो आई एम दैट इज द प्रॉब्लम दैट. और इतना अच्छा रूम कुछ नहीं था, क्योंकि उससे भी कंपेयर, वी आर कंपेयरिंग विथ हैदराबाद एंड नागपुर. हैदराबाद इज लिटिल बिट बेटर दैन नागपुर. या 1200 रूम इज बेटर, एवरीथिंग इज ओके कंफर्टेबल. वाईफाई इज ऑल्सो रियल, बट इन द ईयर दे टोल्ड वाईफाई इज देयर द फर्स्ट. आई थिंक वी गोट रूम इन फोर्थ फ्लोर. हम लोगों को फोर्थ फ्लोर में ही रूम दिया था वो लोग, उधर बिल्कुल वाईफाई काम भी नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग वीडियो भी नहीं डाला यस्टरडे. बहुत मेहनत से हमारे हाथ में जितना, वो भी प्रॉपरली जियो भी नेटवर्क भी ठीक से नहीं था, क्योंकि बच्चों को कॉल करने से भी कनेक्ट नहीं होती थी. इतना पैसा पे करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो यही टू व्हीलर ट्रैवलिंग में वी आर सफरिंग ए लॉट अबाउट, क्योंकि कार है तो फिर चलते रहते हैं, ये पैसा तो बेनिफिट होता है, पेट्रोल का ज़्यादा होता है, इधर उधर कुछ कुछ होता है. तो अभी हम लोग इधर रोड पे आते हैं, सो क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना रूम के बारे में दिखा दो वो दिखा दो, इसलिए बोल दिया. तो अभी रोड पे आते तो एक शिव जी को मिला हम लोग, तो हम लोग आगे गया पेट्रोल भरने के बाद. हम लोग वापस आकर तो शिव जी को एक बार दर्शन करके जाऊँ करके, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए जब हम बोले ना. कितना अच्छा लग रहा है ना. तो अभी हम लोग आगे जाएंगे. शोशु को नहीं दिखाया अभी. शोशु एक हाय तो बोलो. शोशु तो चले. शोशु शोशु के साथ शिव जी को भी एक बार पूरे हम लोग तो चले भी रेडी. तो आगे आगे देखेंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ. पूरा अभी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर से ऐसे ही रोड है ना. तो धीरे धीरे जाएंगे आगरा की तरफ. हाय वेलकम. अभी देखो गाड़ी का बेल्ट फट हो गया, उसके बारे में सर्विस के बारे में बात करना है तो बहुत करना पड़ेगा. अभी कुछ नहीं बोलने का, तो अभी हम लोग देखना पड़ेगा कोई इधर हमारे पास तो बेल्ट है, कोई मैकेनिक को इधर अभी मिलेगा कुछ मालूम नहीं है, तो आगे देखना पड़ेगा है ना शोशु. बहुत मुश्किल है अभी उधर उन लोगों को कुछ पूछने से शायद मालूम पड़ेगा. रोड पे आ गया वो, अभी जा रहे हैं ना, उनको हम लोग बता दिया था ऐसे प्रॉब्लम है. पहले उन्होंने बोला ये नीचे से उधर जाने का करके, मैंने बताया सर ये लेकर जाना थोड़ा मुश्किल है, आप थोड़ा इन्फॉर्म करने के लिए बोल दिया. तो हम लोग सोचा नहीं वो इन्फॉर्म करेगा करके, हम लोग एक 10 मिनट ऐसे ही खड़े थे, वो लोग वापस आकर बोल दिया. उन्होंने बोल दिया है वो मैकेनिक को कौन सा गाड़ी है करके, थोड़ा डाउट है आप थोड़ा बता देना करके, उनका नंबर दिया है. तो फिर हम लोग बात किया, अभी आएगा बोला है देख लेंगे. थोड़ी दूर हम लोग ऐसे ही लेकर आ गए, अराउंड 2 किलोमीटर के अंदर हम लोग लेकर आ गया. तो अभी देखेंगे, पुलिस भी आया था इधर का, अच्छे लोग हैं, उनको भी मैंने बात करने से उधर नीचे ही है कोई टेंशन नहीं बोला है, तो उनको आने दो, हम लोग वेट करेंगे क्या हो जाएगा करके. तो अभी देख लो हम लोग कैसे रोड पे बैठे हैं हाईवे पे, गर्मी है यही प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग अभी इधर बैठे हैं उनको आने तक,
इधर पास ही है, 1 किलोमीटर के अंदर ही है, देखना पड़ेगा। तो अभी वे पूरा धूप की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, गर्मी है बहुत, क्या करो ऐसे ही है। शोशु को हालत देखो, शोशु। तो अभी हम लोग मैकेनिक आने दो, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। ये सब एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ बात करने हैं, बाद में करना पड़ेगा, है ना। तो अभी बाद में करेंगे, तो ले लो शोशु ये। तो अभी मैकेनिक आ गया, तो हम लोग उनके शॉप तक लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि खोलने का सब ठीक से करना है। तो इसलिए उन्होंने धक्का मार के ही इज़ हेल्पिंग मी टू टेक, क्योंकि इधर से अराउंड 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड से मुड़ कर तो जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं मैं मदद करती हूँ करके, अच्छे से किक मारते तो मैं लेकर जा रही हूँ। ऐसे ही शोशु से उनको पीछे बैठ कर तो वीडियो ले रहे हैं। तो उनकी शॉप के उधर जाकर ये चेंज करने के लिए तो अच्छे से मदद कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर ही, उधर से ही अंडरग्राउंड से ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जाऊँ करके, क्योंकि मुझे पहले डर था ये धक्का मारने से मैं लेकर जा सकेगा करके, फिर भी आराम से जाती थी, क्योंकि मुश्किल है तो भगवान साथ देते हैं ना, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं था। हाय, आ गया अभी मैकेनिक शॉप तक आ गया, अभी देखेंगे कुछ नहीं, कुछ भी होता है ना। थोड़ा क्लीन कर ना, लाए फिल्टर नहीं, वही वो क्लीन कर, साफ आता है इधर, मिलेगा आपके पास? नहीं मुझे नहीं है ना, वो क्लीन कर। बेल्ट की हालत अभी, दूसरा हमारे पास स्पेयर था वो डाल दिया, अभी आगे देखेंगे, शोरूम मिल गया तो और दूसरा चेक करना पड़ेगा। अभी यही प्रॉब्लम है ऐसे गाड़ी का, क्या है ना, स्पेयर पार्ट्स मिलने का टेंशन होता है, कोई भी सब मैकेनिक इसको करना भी मुश्किल हो रहा है अभी, है ना। इनको थोड़ा हमारे भगवान की कृपा से मिल गया तो उनको थोड़ा आते तो ये कर दिया, स्पेयर पार्ट्स मिल गया सभी मैकेनिकल शोरूम में, ये लोग रिपेयर हो सकते तो कितना अच्छा होता है। अभी क्या है ना, वही ये हम लोग एक बार और एसआर में भी ऐसे ही हम लोग तमिलनाडु में फीलिंग हुआ है हम लोगों को, ये अभी और बात करना है बहुत, इसके बारे में बात करना है, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ये थोड़ा रेडी होकर हम लोग चालू हो जाएंगे, फिर मिलेंगे। तो अभी हम लोग है ना गाड़ी रेडी हो गया, अभी टाइम तो 11 o'clock हो गया, भगवान की कृपा से बाकी बात आगे करेंगे। तो चले अभी आगरा की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो चले। हाँ, अभी तो लंच ब्रेक हो गया क्योंकि नाश्ता नहीं खाया था हम लोग, फिर तो गाड़ी का सब आप लोग कहानी देखा है ना, अभी ऑन दी वे लंच ब्रेक। तो इतना गर्मी है अभी, इतने टाइम में ही 39 degrees Celsius है, कैसे चलेगा? तो 30-50 kilometers से ज़्यादा हम लोग चला भी नहीं पा रहे हैं, गाड़ी का सेफ्टी देख देख कर ही हम लोग आ रहे हैं। तो अभी खाना खाएंगे, चावल और दाल फ्राई सब ऑर्डर किया है, आंखों में सब ऐसे गर्मी है, तो फिर खाना आने दो, दिखा देंगे, गाड़ी उधर इसलिए दूर है। अभी हम लोग दाल चावल ऑर्डर किया है, दही है, तो अभी खाकर फिर आगे जाएंगे हम लोग। एक लंच ब्रेक देख लो, गर्म है।
गर्म है शुरू। हाय, तो अभी हम लोग लंच का लिया है ना, आप लोग देखा है, उसके बाद में 10 किलोमीटर चलाया। उतना गर्मी है, हम लोगों को क्यों डर हो रहा है, गाड़ी को कुछ गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो, वही हमारा डर है। हम लोगों का कुछ डर नहीं है, हम लोग चलाएंगे। फिर भी इसका तो हीटिंग वगैरह कुछ ज़्यादा लगेगा, हमारे मन में थोड़ा ऐसा ही लग रहा है, इसलिए हम लोग सोचा अभी तो इधर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। अभी कितना 12:20, 12:30 उतना ही हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इतना गर्मी है पता नहीं, इसलिए हम लोग सोचे एक आधा घंटा इधर बैठेंगे थोड़ी दूर में, फिर बाद में रेस्ट लेने के बाद तो फिर आगे जाएंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। तो अभी देख लो कितना गर्मी है, टाइम तो अभी 2:20 हो गया, 2:20 में भी गर्मी है, 39 डिग्री सेल्सियस है, 40-30 ऐसे ही रहते हैं। तो देख लो पूरा, हम लोग अभी स्लो ऐसे जा रही हूँ, एक 200 किलोमीटर अभी जाने के लिए 4 घंटे के ऊपर लगता है ना। अभी देखेंगे आगे, देख लो, आप लोगों को ये थोड़ा दिखा रही हूँ। हाय, वेलकम। नाउ वी आर ऑन दी वे टू आगरा। टुडे हम लोग आगरा तक जाएगा, बीच में रुकेगा कुछ मालूम नहीं है ना, जस्ट वी आर राइडिंग इन बिटवीन वी विल स्टॉप आई थिंक, क्योंकि दैट मच हीट वेव्स आर देयर, ड्यू टू दैट हीट वेव्स है ना, वी कांट राइड कंटिन्यूसली। दिस टाइम आई थिंक ओनली 50 किलोमीटर वी वॉन्ट टू टेक रेस्ट फॉर नॉट अवर्स फॉर द व्हीकल। आई थिंक दिस टाइप ऑफ व्हीकल है ना, उनको बहुत ऐसे ये मौसम में थोड़ा मुश्किल है, हम लोग फील हो रहे हैं। तो हम लोग है ना अभी क्या सोचा, थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे करके, थोड़ी इंजन में भी अभी हम लोग जस्ट एक 40 किलोमीटर ही चलाया है ना, फिर अभी रेस्ट दे दिया है, एक आधा घंटा रेस्ट देकर फिर जाएंगे। बीच में हम लोग आप देखा हो है ना, उधर भी 1 घंटे बैठे थे। अभी कैसे भी कितनी दूर जाएगा मालूम नहीं, एक मैक्सिमम 6 o'clock के अंदर है ना वाइंड अप करना है। अभी तो अराउंड 3 o'clock के ऊपर हो गया, ये 4 o'clock के बाद थोड़ा तो अच्छा होगा सोच रहे, फिर भी कल भी 4 o'clock के बाद भी सेम था, आज भी वैसा ही है। कोई भी अभी समर सीजन में आना चाहते तो ध्यान दे दो, क्योंकि बेल्ट वाला स्कूटर है तो आपको मुश्किल होगा। बाइक वगैरह तो मालूम नहीं है, कूलेंट वगैरह है तो ऐसे ही है, तो एयर कूलिंग भी है इसके साथ, ये बेल्ट भी है ना, इसलिए ध्यान देना चाहिए कोई भी, क्योंकि थोड़ी दूर चलाने से ही हीट ऐसे बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। इसमें तो वो हीट का वो साइड पे दिखाई देते हैं ना, इसलिए हम लोग है ना 4-5 लाइन एक्स्ट्रा आने से जल्दी स्टॉप करते हैं, दिखाई ऐसे शो होते तो और टेंशन होते, तो हम लोग जल्दी स्टॉप करती है, उसको बोलती है बेचारी ओ प्लीज़ है ना। सब लोग कुछ लोग कैसे कभी कभी कमेंट में हम लोग देखते हैं ना, लद्दाख जाना इतना आसान है, कुछ भी नहीं है, ओ आप लोग क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसे लद्दाख जाना इतना आसान नहीं है। वैसे ही ये अप्रैल में ही मैं शायद अगस्त में गया तो इतना वेदर का इश्यू तो नहीं था है ना, थोड़ा बारिश का तो ऐसे ही था और कुछ नहीं था। अभी समर में ध्यान देकर आना, क्योंकि उतना पेशेंस होना चाहिए आपको राइडिंग करना है तो। हम लोग अभी भी हैप्पी है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रही हूँ कभी कभी मेरे मन में अभी क्या आ रहा है, ऐसा गाड़ी को सक्सेस बनाने के लिए हमारे जैसे मामूली लोग कितना मेहनत कर रहे, वो मेरे मन में एक फीलिंग आया कि मैं हैप्पी हूँ, ये भी हैप्पी है, शिशु भी हैप्पी है, हम लोग तो हैप्पी है। फिर भी ऐसे मौसम में भी ऐसा व्हीकल को लेकर ऐसे जाना बहुत मुश्किल है, उतना तो हम लोग को विल पावर होना चाहिए तो लेकर आने का है ना शिशु, क्योंकि कितना बोतल पानी ले लिया हम लोग देख लो, एक एक आवर में एक एक बोतल ले रहे हैं, ऐसे एक एक आवर नहीं हाफ एन आवर में बोतल लेकर पी रहे हैं, क्या करूं तो कैसे भी जाना है। स्टे ट्यून्ड, आगे शोशु को देखो, दग गई वो बेचारी, कैसे शोशु तो कैसे रोड पे हम लोग बैठे, आप लोग देख लो इधर तो, उधर दूर में है ना उधर शॉप है,
एक्चुअली देखने में ऐसे है तो भी शॉप पे सब कुछ मिलता देखो, है। देखो बैठी है वो भी उधर, वो पेड़ देखो आप, उसमें से आपको मालूम हो गया कितना गर्मी है। तो अभी स्टॉप करूं, तो अभी बाद में मिलेंगे, छोटा सा ब्रेक। हाय, अभी भी हम लोग इधर ही खड़े हैं, आप लोग उधर फिश सब पकड़ते हैं ना, वो सब एक बार देखना चाहिए, बहुत गर्मी है, खड़े होना मुश्किल है। देख लो शोशु दिखाते, देखो उनके आगे है ना वो पकड़ने का है, देख लो इधर भी दो लोग है ना, देख लो कैसे नीचे भी आप देख लो कैसे पानी जा रहे है, देख लो कितना फ्लो आ रहा है। अभी गर्मी में पहली बार इधर देख कहीं भी ऐसे इतना पानी में देख रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। देखो कैसे फिश पकड़ते हैं सब लोग, अच्छा है ना शशु। तो चले शशु इधर से एक फोटो लेकर जाएंगे हम लोग। देखो बच्ची उधर खड़ी है, हाय बच्ची, आती हूँ अभी। अभी तो नेक्स्ट आएगा सागर, सागर के लिए अराउंड 90 किलोमीटर है। अभी तो टाइम 5:30 हो गया, अभी थोड़ा सा कम हो गया, अभी भी 38 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी हीट वेव थोड़ा कम हो गया। तो चले अभी, छोटा छोटा मंदिर है, ये भी फॉरेस्ट जैसा एरिया ही है, देख लो। सागर, हम लोग सागर तक ही फिनिश कर दिया, क्योंकि बेल्ट के वजह से भी गर्मी के वजह से हीट वेव्स की वजह से हमारा तो बहुत स्लो हम लोग आ रहे थे, इसलिए हम लोग सोचा अभी और आगरा तक जाने क्यों रिस्क लेने का। हम लोग इधर पहुंचते हुए 7:30 हो गया, तो हम लोग सोचा इधर बंद करेंगे राइड, तो फिर शुरू करेंगे करके। तो ये वीडियो हम लोग इधर बंद कर रहे हैं, आगे आगे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए ब्रेक। आपको मालूम है ना हम लोग नागपुर से अर्ली मॉर्निंग शुरू किया था, कितने बजे, 6:00 है ना शुशु, 6:00 शुरू किया था हम लोग। क्या सोचा था सागर के लिए उतना दूर नहीं थी, सो वी विल रीच अराउंड 2:30-3:00 इन बिटवीन, समथिंग तो हैपन यू नो एवरीथिंग। तो ओके, और एक बात है, एक कमेंट मैंने देखा था, तो शटल सर्विस करके जा रहे हैं ना मैडम, तो बोर है, कोई नया देखो। हम लोग नेपाल गया था, आप शायद देखा नहीं होगा, हम लोग कन्याकुमारी सब गया था, आप देखा नहीं होगा, शायद हम लोग तमिलनाडु राइड किया था, शायद देखा नहीं होगा, है ना, केरला एक्सप्लोर किया था, शायद वो भी देखा नहीं होगा, ओनली आप लद्दाख देखा होगा, इसलिए आपको देख आपको सोच रहे हैं शटल सर्विस है। आई लव दिस शटल सर्विस टू लद्दाख, मोर करना चाहती है। स्टे ट्यून्ड।